हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज न्यूज, जहां हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना और आज हम बात करेंगे सुपरस्टार अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार को इंडस्ट्री में आए इतने साल हो गए हैं और आज भी उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाती है, उन्हें लोग काफी पसंद करते हैं। अक्षय कई अलग अलग किरदार में नजर आ चुके हैं, एक्शन, थ्रिलर, कॉमेडी, रोमांटिक, हर एक किरदार उनके ऊपर जैसे फिट बैठ जाता है। इस बार अक्षय एक नए किरदार में नजर आने वाले हैं। इस बार अक्षय की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब में वो एक ट्रांसजेंडर का रोल प्ले करते नजर आएंगे। इस फिल्म को लेकर दर्शक भी काफी एक्साइटेड थे, लेकिन अब इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जा रहा है। बता दें कि जिस तरह से देश की हालत है, ऐसे में सिनेमा घरों के खुलने की किसी भी तरह की उम्मीद नहीं है। ऐसे में फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना ही मेकर्स के पास लास्ट ऑप्शन बच गया है। बता दें कि फिल्म की कहानी एक हॉरर जॉनर होगी, यानी कि कॉमेडी के साथ हॉरर। फिल्म को लेकर दर्शकों का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है। ऐसे में हॉटस्टार ने काफी बड़ी कीमत देकर इस फिल्म को खरीदा है। बता दें कि इस फिल्म को लगभग 125 करोड़ रुपए में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे बेचा गया है और इस तरह से ये फिल्म सबसे बड़े मुनाफे वाली पहली ओटीटी रिलीज फिल्म बनेगी। इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।